थैंक यू विजय, थैंक यू फॉर इतना अच्छा आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया, इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। दोस्तों शुक्रिया अदा करता हूँ कंपनी का, डीएक्सएन कंपनी का, दातो डॉक्टर लिम्सोजिन का, पूरे हमारे जो टॉप लीडर्स हैं प्रोफेसर वासुपाल, डॉक्टर रत्ना, डॉक्टर एस रंजन, मिस्टर वेंकटरमनी, डॉक्टर मालती रमनी एंड और भी हमारे जो ग्रुप के सारे लीडर्स हैं जिनकी बदौलत हमारे 20 साल गुजरे। दोस्तों ये मेरी फर्स्ट इनिंग्स थी, जैसे क्रिकेट में दो इनिंग्स होती हैं, क्रिकेट इनिंग्स वन एंड इनिंग्स टू, तो आज मेरी इनिंग्स टू स्टार्ट होती है। और इनिंग्स टू में ही पहले ही दिन, मेरे 21वें साल का पहले ही दिन कंपनी हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है एक मीटिंग करने का। सो थैंक यू विजय एंड योर एंटायर मैनेजमेंट एंड फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू गिव दिस फर्स्ट मीटिंग इन माई सेकेंड इनिंग। दोस्तों डीएक्सएन की लाइफ हम यहाँ पे शेयर करेंगे। और जब हम जिंदगी की बात करते हैं तो जिंदगी में तीन ऐसे पहलू हैं, तीन ऐसी चीजें हैं जो दुनिया भर में जैसी जिस आदमी को भी जिंदगी मिलती है वो ये तीन चीजों के ऊपर बेस्ड है। यू नो, हर एक आदमी को, हर एक शख्स को सेहत चाहिए, पैसा चाहिए और खुशियां चाहिए, हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। पहले हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे, सेहत के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखें जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में जन्म लेता है, कल एक महिला जब कंसीव करती है तो उस महिला को पौष्टिक आहार खिलाया जाता है, न्यूट्रिशन दिया जाता है, उसके माँ बाप, उसका हस्बैंड, उसके रिश्तेदार, दोस्त सब पूरा फोकस करते हैं कि ये प्रेग्नेंट वुमन है, इसका पोषण करना है, इसको पौष्टिक आहार देना है, इसको शांत रखना है, इसको खुश रखना है, इसको, बल्कि कहते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप अच्छे अच्छे म्यूजिक प्ले करें या अच्छी अच्छी बातें करें, अगर फ्रूट्स खाएंगे तो बच्चे को भी फ्रूट्स खाने की आदत पड़ जाती है, पौष्टिक आहार खाने की आदत पड़ जाती है। सो अगर ड्यूरिंग दोज 9 मंथ्स अगर एक महिला के को शांत रखा जाए और खुश रखा जाए तो बच्चा भी खुशहाल और शांत पैदा होता है। और इमेजिन द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू लाइफ, एंड अगर आप शुरुआत में ही सेहत पे फोकस करोगे तो बच्चा आपका तंदुरुस्त पैदा होगा, कमजोर पैदा नहीं होगा। और अगर बच्चा तंदुरुस्त होगा, तंदुरुस्ती की जब हम बात करते हैं, हेल्थ की जब हम बात करते हैं, तो दैट मीन्स उस बच्चे की आंख हो, उसका बच्चे के अंग हो, उस बच्चे का अंदर इंटरनल सिस्टम हो, चाहे उसका दिल हो, चाहे उसकी स्टमक हो, चाहे उसकी किडनीज हो, पेंक्रियास हो, पूरा द एंटायर बॉडी जो एक बंडल ऑफ सेल्स है वो तंदुरुस्त रहेगा। और कहा जाता है कि अगर आपके सेल्स हेल्दी हैं तो टिश्यूज भी हेल्दी हैं, राइट, ऑर्गन्स भी हेल्दी हैं और पूरी बॉडी हेल्दी होती है। और जो सेहतमंद बॉडी होती है उसमें बीमारी नहीं आती, क्योंकि सेहतमंद बॉडी का जो प्रतिरोधक शक्ति जो होती है, जो ठीक करने की क्षमता होती है, वो बहुत स्ट्रांग होती है। और अगर हर एक माँ बाप जिस प्रकार एक प्रेग्नेंट वुमेन की केयर करते हैं कि बच्चा हेल्दी पैदा हो, मैं यहाँ पे जितने भी दर्शक हैं इस वक्त उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम जितनी केयर हम एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी करते हैं, और अगर आप ध्यान दें जैसे ही बच्चा पैदा होता है माँ बाप खुद ना खा के अपने बच्चे को खिलाते हैं, क्योंकि बच्चा बढ़ रहा होता है, वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, यू नो, 1 साल 2 साल 3 4 4 साल एंटायर फोकस अगर आप ध्यान से दें उस बच्चे के पोषण पे होता है, उसके न्यूट्रिशन पे होता है, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है, उस बच्चे का पूरी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है, राइट। सो फ्रॉम प्रेगनेंसी जैसे जैसे बच्चा वो बड़ा होना शुरू होता है, जब वो स्कूल जाने लगता है, वहां थोड़ा वो अपने माँ बाप से दूर हो जाता है, और स्कूल में जाने के बाद उसको धीरे 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 करके जो जैसे कहते हैं ना कि न्यूट्रिशन से वो दूर होना शुरू हो जाता है, जब वो घी, तेल, मिर्च मसाले, बर्गर, पिज्जा, समोसे, यू नो, एरेटेड ड्रिंक्स का धीरे धीरे करके उसको लत लगती है। और ध्यान दीजिएगा आप सबकी, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में ये हो रहा है, पूरी दुनिया भर में ये हो रहा है। और वही हम जो शरीर बिल्कुल साफ था, हार्ट साफ था, लंग साफ था, मुंह साफ था, लिवर, किडनी सब साफ था, उसमें कचरा डलना शुरू हो जाता है धीरे 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 करके, हमारी ब्लड वेसल के कचरा डलता है। और जब हम कॉलेज में जाते हैं तो वहां तो स्टाइल शुरू हो जाता है, और कॉलेज में जाके फिर आदत पड़ती है सिगरेट पीने की, फिर आदत पड़ती है शराब पीने की, फिर आदत पड़ती है गुटखा खाने की। इमेजिन कीजिए वो जो कॉलेज में जो यूथ है जिनमें ताकत होनी चाहिए, वो धीरे धीरे करके कमजोरी की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जब उनकी शादी होती है
इमेजिन करो अगर एक लड़का या लड़की, उनको लत लगी हुई है सिगरेट पीने की या शराब पीने की या गुटखा खाने की, अगर नया जो एक कपल है, अगर वो दंपत्ति है, अगर वो दोनों कमजोर होंगे तो क्या वो बच्चा हेल्दी पैदा करेंगे? नहीं, उनका बच्चा भी अनहेल्दी पैदा होगा। और इसी यही कारण है कि लोग शादी तो कर लेते हैं, वो देखते हैं नहीं कि हमारे अंदर सेहत है या नहीं है। वही बच्चे कमजोर हस्बैंड एंड वाइफ, वो कमजोर बच्चा ही पैदा करते हैं। और फिर जब कमजोर बच्चा पैदा होता है तो दुनिया भर में आज आप देख ही रहे हैं, माल न्यूट्रिशन की वजह से, पोषण ना मिलने की वजह से, कुपोषण की वजह से बहुत सारे बच्चे मर रहे हैं। और देखा जाए तो दुनिया भर में हर एक आदमी की जिम्मेदारी है कि मुझे सेहतमंद जिंदगी चाहिए, मुझे सेहतमंद बनना है। यहाँ पे जितने भी यंग बॉयज एंड गर्ल्स देख रहे हैं, आगे चल के आपकी शादी होगी, पहले तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा कि हो सके तो अपनी आदतें थोड़ी चेंज कर लो, हो सके तो कुछ भी खाने और पीने से पहले सोचो कि हमारे शरीर के लिए ये फायदेमंद है या नुकसानदायक है। दोस्तों, शरीर पैदा तंदुरुस्त होता है और उसको खराब करने वाले हम हैं। और फिर जब शरीर खराब होना शुरू होता है, फिर हम पूरा प्रेशर डालते हैं अपने डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिकल फ्रेटर्निटी के ऊपर। उनको कहते हैं कि मेरे मेरे मुंह में अल्सर है, मेरे मेरे लंग्स में, फेफड़ों में जाके कचरा जमा हुआ है, मुझे लंग्स की प्रॉब्लम है, मेरे ब्लड वेसल में डिपॉजिट्स हो गए हैं, मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है। उन अलग अलग स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को फिर हम तंग करते हैं, उनके पास जाते हैं, लाइनें लगाते हैं, फिर हम दवाइयां खाते हैं और दवाइयां खा के हम ठीक करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारे अंदर जो एक डॉक्टर छुपा हुआ है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं। अगर उस डॉक्टर की अगर हम केयर करते तो हमारी बीमारियां ही शरीर में नहीं रहती। सो अगर आप ध्यान से देखें, हमारा कुदरत ने जो शरीर बनाया है वो कमाल का शरीर बनाया है। वो ये कहता है कि मुझे सिर्फ साफ रखो, अगर आप मुझे साफ रखोगे तो मैं आपको एक ऐसी जिंदगी दूंगा, ऐसी खुशहाल जिंदगी दूंगा कि आप एक एक पल आप जिंदगी का एंजॉय करेंगे। दोस्तों, अगर आप सेहतमंद हैं तो आप मैरिड लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, अगर आप सेहतमंद हैं तो कॉलेज में जो स्कूल में बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं बहुत अच्छा पढ़ाई कर सकते हैं, अगर आप सेहतमंद हैं तो आप ऑफिस में काम अच्छा कर सकते हैं, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। यहां तक कि आप जान के आपको मैं बता दूं, पूरे दुनिया भर में जितने भी इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, ओलंपिक्स होते हैं या जो भी विंबलडन कहा है, एवरी प्लेयर दे हैव ए स्पेशलिस्ट जो उनकी हेल्थ की केयर करता है, उनके स्टेमिना की केयर करता है, उनके एनर्जी लेवल की केयर करता है। यहाँ तक कि अगर क्रिकेट टीम भी है तो उनके पैरल में एक न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन और कोई हेल्थ कंसल्टेंट होता है जो जितने भी प्लेयर्स की उनके पूरे ओवरऑल होलिस्टिक हेल्थ की। दोस्तों, ओनली अ हेल्दी पर्सन कैन परफॉर्म, कैन अचीव। और जो सेहत है वो सबकी जरूरत बता दो, इतने सारे कॉर्पोरेट्स हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं। इन कॉर्पोरेट्स को मैं जरूर बताना चाहूंगा कि कई बार आपको लगता है कि हमारी सेल्स टीम को अगर हम शराब पिला दें तो वो टारगेट अचीव करेंगे। आई थिंक यू आर मिस्टेकन, यू आर एब्सोल्युटली मिस्टेकन। आप शॉर्ट टर्म में तो जरूर टारगेट अचीव कर लेंगे, बट आप उस आदमी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी परिवार के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और वो आदमी जल्दी चला जाएगा इस दुनिया से बिकॉज आपने उसको लत लगा दी है शराब की सिर्फ थोड़ी सी सेल्स के लिए। बट इमेजिन करें ऑन दी अदर हैंड, अगर कॉर्पोरेट डिसाइड कर ले कि मेरी पूरी की पूरी टीम हेल्दी बनेगी, स्ट्रांग बनेगी, आई कैन बेट आपकी सेल्स अगर डबल ट्रिपल या 10 गुना ना हो जाए तो बात कीजिएगा। मैं सारे कॉर्पोरेट्स जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, 2 साल के लिए डिसाइड कर लो कि हमारे जितने भी लोग हमारे ऑफिस में काम कर रहे हैं उनको शराब या ऐसी लत ना लगा के दूसरी चीजें, न्यूट्रिशन पे फोकस करें, योगा दें, प्राणायाम दें, उनको पोषण दें। फ्रेंड्स, हमारा शरीर खराब होता है हानिकारक पदार्थ से, हानिकारक पदार्थ आते हैं हवा से, पानी से, खाने से। हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में जाते हैं हमारी आदतों से, गुटखा खाना, सिगरेट पीना, शराब पीना, बर्गर, पिज्जा, एरेटेड ड्रिंक्स। कोई फोर्स नहीं करता, मैं बता दूं, हमी को लत लगती है। हम एक छोटा सा एक सेल होता है जो जबान पे है उसके गुलाम बन जाते हैं, उस स्वाद के गुलाम बन जाते हैं। बट अगर आप जागरूक हो जाएं पहले ही दिन से, स्कूलों में शिक्षा दी जानी चाहिए, हेल्थ इज द प्राइम फोकस, हेल्थ शुड बी द प्राइम फोकस। अरे सेहत होगी, जिंदगी होगी तभी तो आप परफॉर्म करोगे, तभी तो आपका दिमाग चलेगा, तभी तो आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट कर पाओगे अपनी सोसाइटी।
सो हेल्थ शुड बी द प्रायोरिटी। और अभी तो वैसे भी कोरोना का कोविड का टाइम चल रहा है, दुनिया भर में अगर लोग हेल्थ पे फोकस करें तो हम आने वाले जितने भी चाहे डेल्टा वायरसेस हो या कोई भी वेव्स हो हम इजीली फेस कर सकते हैं। दोस्तों कितने भी वायरसेस आए और गए, जो लोग तंदुरुस्त थे, जो लोग स्ट्रांग थे वो सर्वाइव कर गए, जो लोग कमजोर थे वो चले गए। सो इट इज आवर जिम्मेदारी कि अपने आप को सेहतमंद रखे और स्ट्रांग रखे, ये हमारी जिम्मेदारी। और दोस्तों जिस वक्त अपनी गाड़ी की सर्विसिंग करते हैं, आप अपनी एसी की सर्विसिंग कराते हैं, आपकी बॉडी को सर्विसिंग की जरूरत है। आज अगर आप योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तो आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी, एक्सरसाइज होगा। और आपको मैं एक सीक्रेट मैं बता देता हूं, बहुत सिंपल सा सीक्रेट है जो पिछले 20 सालों से हमारे पूरे परिवार ने यूज किया, हमारे पता नहीं कितने लाखों परिवारों ने दुनिया भर में डीएक्सएन के परिवार यूज कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि डीएक्सएन के जो एंटायर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ ये कहते हैं कि आप खाना शुरू करो, आपकी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन होगा। और जो असंतुलन की वजह से आप बीमार हो रहे हैं, आपको पता था कि बीमारियां लगी हुई हैं, उस असंतुलन संतुलन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दो चीजें याद रखिएगा दोस्तों, हमारी बॉडी में हानिकारक पदार्थ है, अगर एक्सेस फैट है तो वो भी हानिकारक है, एक्सेस शुगर है वो भी हानिकारक है, एक्सेस आप कोई भी चीज एक्सेस में ले लीजिए वो हानिकारक है, वो टॉक्सिक बन जाती है। तो हमको करना क्या है, हमारे बॉडी की प्रतिरोधक शक्ति, हमारे हमारे जिस्म की जो हीलिंग पावर है उस पर फोकस करना है। और वो फोकस आप कर सकते हो, आप में वो क्षमता है, अपने पे विश्वास रखो और फोकस करो कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम मुझे अपने आप को साफ रखना है। जिस प्रकार आप रोज नहाते हैं, आप बाहर से साफ कर लेते हैं अपने आप को, आपको राइट फ्रॉम माउथ टिल इंटरनल क्लींजिंग करनी चाहिए। अगर आप डीएक्सएन का गैनोजी टूथपेस्ट यूज करते हैं जिसमें गैनोडर्मा डाला हुआ है, तो आपके दांतों से ये शुरुआत हो जाती है, आपके गेटवे ऑफ, जिसे कहते हैं गेटवे ऑफ एवरीथिंग, यही एक गेटवे है हेल्थ का, यही गेटवे है बीमारियों का। इमेजिन करें जब आप सिगरेट पीते हैं तो आपका गेटवे खराब होता है, आपके लिप्स खराब हो जाते हैं, आपका मुंह खराब हो जाता है, आपकी पूरी पाइप खराब हो जाती है, लंग्स खराब हो जाते हैं। सोचिए जरा, यू नो, अगर आप गुटखा चबाते हैं तो आपके मुंह में सारे छाले पड़ जाते हैं। और एक टाइम आता है जितने भी गुटखा कंज्यूमर्स हैं, मैं सी ये मैन्युफैक्चरर्स को मैं कुछ नहीं कह रहा, उनका अपना रोल है, यू नो, बट जनाब मुंह तो आपका खुद का है ना, जिंदगी तो आपकी खुद की है ना, है क्यों लत लगाते। सो जितने भी आपका ये जो अंदर जब गंदगी जाती है, जब आप साफ नहीं करते, आपका बीमारी आनी शुरू हो जाती है। सो वी डीएक्सएन का गैनोजी टूथपेस्ट जो है आपके डेंटल स्ट्रक्चर को क्लीन करता है, आपके मुंह को क्लीन करता है। और आपको ये थोड़ा सा एक टिप साथ साथ ये भी बता दूं कि जब भी आप कुछ खाएं या पिए, अगर आप थोड़ी देर में ही पानी से कुरला कर लेंगे तो आपका मुंह जो है बिल्कुल अच्छे से साफ हो जाएगा। आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप गुनगुना पानी लीजिए और उसमें डीएक्सएन का आरजी जेल के दो दो या तीन तीन कैप्सूल का पाउडर डालिए, और आरजी जेल कैप्सूल के अगर गार्गल करेंगे तो सारे के सारे जो टॉक्सिन्स है आपके माउथ के वो निकल जाएंगे। आप चाहे तो उसमें गैनोजी टूथपेस्ट भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये कि गैनोडर्मा हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग, जो हानिकारक पदार्थ है वो निकल जाते हैं। और रोज अगर आप गैनोडर्मा के आरजीजीएल कैप्सूल जब आप खाते हैं, बहुत सारे इतने योद्धा हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, एवरीबॉडी इज यूजिंग इट डेली। और गैनोडर्मा चाय के फॉर्म में चार तरह की हमारे पास चाय अवेलेबल है, हमारे पास नॉर्मल टी अवेलेबल है, हमारे पास ग्रीन टी अवेलेबल है, हमारे पास मसाला टी अवेलेबल है, हमारे पास स्पाइस टी अवेलेबल है, हमारे पास लेमन टी अवेलेबल है। अगर आप चाय जिसमें गैनोडर्मा डाला हो, जैसे हम तुलसी की चाय पीते हैं, राइट, सो जब चाय पीते हैं तो हमारे अंदर वो जाती है। चाय एक ऐसा नेचुरल गिफ्ट है कि वो हमारे कोशिकाओं में बहुत अच्छे से चला जाता है, 10-15 मिनट में एकदम ऑब्जॉर्ब हो जाता है। और अगर आप चाय में जैसे अदरक तुलसी और जैसे हम ये नेचुरल चीजें डालते हैं तो उसका फायदा मिलता है। इसी प्रकार डीएक्सएन की तमाम चाय, द बेवरेजेस ऑफ डीएक्सएन, चाहे आप चाय ले लें, चाहे आप कॉफी ले लें, कॉफी में भी वराइटीज अवेलेबल हैं, और लीजी 3-in-1 कॉफी है, 2-in-1 कॉफी है, कॉडीसर कॉफी है, मतलब ये सारे की सारी वराइटीज जो है बेसिकली हमारे हानिकारक पदार्थ की फ्लशिंग करती है, अंदर से जो गंदगी है उसको बाहर निकालती है। पसीने के जरिए गंदगी बाहर निकलेगी, यूरिन आपके पेशाब के जरिए गंदगी बाहर निकलेगी, मल के जरिए गंदगी बाहर निकलेगी। और जब गंदगी बाहर निकलती है ऑटोमेटिकली आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है।
आपकी बॉडी सेहतमंद हो जाती है, आपके सेल्स अच्छे से काम करने लग जाते हैं। जिस प्रकार आपकी गाड़ी में जब कार्बोरेटर में कचरा आता है, गाड़ी चलना ठीक से बंद कर देती है, उसी प्रकार आपके शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन में डीएक्सएम का गैनोडर्मा बहुत हेल्प करता है। और दोस्तों मैं आपको बताऊं, पूरा जो शरीर हमारा है कोशिकाओं का बना हुआ है, कोशिकाओं को पौष्टिक आहार चाहिए और साथ में ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन हमको फ्री में मिलती है। पौष्टिक आहार की रेंज में आप ऑलरेडी अपने हरी सब्जियां भी खा रहे हैं, फल भी खा रहे हैं, साथ में जब आप डीएक्सएम को अपनाएंगे अपनी जिंदगी में, राइट, तो डीएक्सएम के अपनाने के बाद आप पाएंगे कि आपके शरीर में धीरे धीरे करके जो पूरी बॉडी में जो हानिकारक पदार्थ बाहर निकलने शुरू होंगे, एक महीना, दो महीना, तीन महीना, तो आपकी नींद आपको बहुत अच्छे से आएगी, आपका पेशाब बहुत अच्छे से आएगा, आपका पेट अच्छे से साफ होगा। और जब आपका पेशाब अच्छे से आएगा, पेट अच्छे से साफ होगा, तो आप बहुत लाइट फील करेंगे, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए, और जो खून है वो कैरियर है ऑक्सीजन का और न्यूट्रिशन का। इमेजिन कीजिए, जब उस वो खून आपका साफ हो रहा है, उसके फ्लो साफ हो रहा है, उसकी ब्लड वेसल साफ हो रही है, तो हर एक अंग में, हर एक कोश में पौष्टिक आहार जाएगा और ऑक्सीजन भी जाएगा। और जब वो उसको मिलेगा, वो अंग, वो सेल, वो खुश हो जाए, और जब वो सेल खुश हो जाते हैं, टिश्यूज खुश हो जाते हैं, वो काम करने लग जाते हैं। और जब आपका शरीर के सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम करते हैं, तालमेल में काम करते हैं, जो असंतुलन बना हुआ था वो संतुलन में आ जाता है, और जब संतुलन हो गया तो आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ जाती है, आपकी हीलिंग पावर बढ़ जाती है, और जब वो बढ़ गई तो आपका जो शरीर का जो गार्ड है वो सारी बीमारियों को फाइट करता है, वो डिसऑर्डर्स को फाइट करता है, आपको यंग रखता है, आपको बूढ़ा नहीं होने देता। ठीक है, बाल थोड़े सफेद हो जाएंगे, बट जो दम रहेगा, जो ताकत रहेगी, वो अंदर की ताकत है, उस ताकत को बिल्ड कीजिए। और ये सबकी जरूरत है, मैं आपको बता दूं, अगर आप डीएक्सएम के तमाम प्रोडक्ट यूज करते हैं डेली, सुबह से लेकर शाम तक यूज करते हैं, आप नोट कर लीजिएगा कि आपके पास में जितना आपने मेडिसिन पे खर्चा किया, हॉस्पिटल्स में खर्चा किया, डॉक्टर की विजिट में, मैं देखिए, आप ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेडिसिन मत खाओ, आप डॉक्टर्स के पास नहीं जाओ, प्रिवेंटिव हेल्थ प्रोग्राम्स मत लो, नो, हम उनकी सेवाएं लेंगे, हम हॉस्पिटल्स भी जाएंगे, हम सभी, चाहे आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, होम्योपैथिक डॉक्टर हो, एलोपैथी, हम उनके पास जाएंगे, हम उनके, वो एक्सपर्ट है भाई, अभी आजकल की टेक्नोलॉजी है, ऑर्गन्स रिप्लेस हो जाते हैं, हम उनके पास जाएंगे, बट उनके पास तब जाएंगे जब जरूरत होगी, उनके ऊपर प्रेशर मत डालो, बेचारों के पास ऑलरेडी लोडेड है। मतलब हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी मेडिकल फोर्स है तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, उन लोगों के पास इतना स्ट्रेस है इन डॉक्टर्स के पास कि पूछिए मत, यू नो, इतने इतने पेशेंट्स बेचारे सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, हमको उनका भी तो ख्याल करना चाहिए। हम तभी ख्याल करेंगे जब हम अपना थोड़ा सा ख्याल करेंगे, उनका लोड कम हो जाएगा। दोस्तों जो मेडिकल कॉलेजेस है बहुत लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और बहुत लिमिटेड मेडिकल प्रोफेशनल्स ही बाहर आते हैं। अभी पिछले 1.5-2 साल में आपको जान के, आप सब जानते ही हैं कि कितना लोड पड़ गया था इस फैटर्निटी, और फिर भी उन सब योद्धा ने बहुत लोगों की जानें बचाई, उनको हेल्प किया। सो बट यस, डीएक्सएम के जितने भी वॉरियर्स दुनिया भर में हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ा तमाम रोल प्ले किया, बिकॉज उन्होंने अपने आप को स्ट्रांग बना के रखा, और उससे क्या हो गया, हॉस्पिटल की विजिट, आई डोंट थिंक कोई डीएक्सएम का परिवार वाला कभी गया होगा, आई डोंट थिंक सो, बहुत नंबर जो है बहुत नेग्लिजिबल होगा। ये दुनिया भर में आप एक सर्वे करके देख सकते हैं, अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी कंट्री में देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता अगर कोई डीएक्सएम का गैनोडर्मा, स्पिरुलिना, नोनी अगर दबा के अच्छे से यूज कर रहा है, उसको हॉस्पिटल जाना पड़ा हो ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। सो प्लीज मेक ए नोट, बिकॉज डीएक्सएम प्रोमिसेस हेल्थ, एंड दैट इज अ रीजन DXN is growing all over the world. DX, यही एक कारण है DXN दुनिया भर में ग्रो कर रहा है, क्योंकि DXN का सिर्फ यही है कि मुझे, हमको सेहतमंद जिंदगी दो को देनी है, सेहतमंद बनो और सेहतमंद बनो, दैट इज द मेन मिशन। और आप किसी भी प्रोफेशन के हो सकते हैं, किसी भी आप टीचर हो सकते हैं, लेक्चरर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं। देखिए जनाब, सुबह से लेकर शाम तक आप कंज्यूम करते हैं प्रोडक्ट, तो 1-2 महीना आप रिप्लेस करके तो देख, यूज तो करें, नहीं अच्छा लगेगा मत लीजिएगा, बट अगर आपने 2 महीना डीएक्सएम के तमाम प्रोडक्ट यूज कर लिए, पहले तो जो आदमी आपको रिकमेंड कर रहा है उसकी आप पूजा करेंगे, उसकी अगर आपने फोटो घर में नहीं लगा ली तो बात करें,
बिकॉज उस आदमी की वजह से आपको डीएक्सएन के बारे में पता लगा, उस आदमी की वजह से गैनोडर्मा के बारे में पता लगा, स्पिरुलिना के बारे में पता लगा, नोनी जूस के बारे में पता लगा, राइट। अभी तो आने वाले समय में डीएक्सएन ने भारत में ही इतने ऐसे नेचुरल प्रोडक्ट लेके आएगी आप सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली आयुर्वेदिक के जो सिंगल हर्ब सीरीज हैं उन्होंने लॉन्च कर डाले हैं। डीएक्सएन का प्रोडक्ट आ गया है, नीम आ गया है, गिलोय आ गया है, ब्रह्मी आ गया है, अश्वगंधा है, ब्लैक कमिंस है, यू नो। सो ये जो आयुर्वेदा जो कुदरत का, अगेन आयुर्वेदा इतने सालों से प्रथा चली आ रही है, वो सारे के सारे आने वाले टाइम में इतने सारे प्रोडक्ट आएंगे, बिकॉज एक एक प्रोडक्ट हर एक आदमी की जरूरत है आज की डेट में, बिकॉज हेल्थ इज द प्राइम फोकस। एंड डीएक्सएन ने प्रॉमिस किया है दुनिया भर में कि हम हमारा मिशन ही है लोगों को हेल्दी बनाना, तो उस मिशन में खरी उतरी है और आपको जान के खुशी होगी कल ही डीएक्सएन ने अपने 28वें साल मनाए हैं, यही जो उनका जो मिशन है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस फॉर ऑल, वो मिशन है। अब हम आते हैं बात करते हैं थोड़ा सा वेल्थ के ऊपर बात कर लेते हैं। हेल्थ तो आई एम श्योर आपको सारा सब लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जिस इंडस्ट्री में भी आप हैं, आप बिजनेसमैन हैं या जॉब कर रहे हैं या प्रोफेशन कर रहे हैं, आप सिर्फ दो महीने डीएक्सएन को अपनाइए, इसका रजिस्ट्रेशनशिप कीजिए, बिकॉज रजिस्ट्रेशनशिप टोटली फ्री है, जिस आदमी ने भी बुलाया उसके साथ ज्वाइन कीजिए और पहले ही दिन से स्टार्ट यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। यू नो आपको जाके खुशी होगी, बैम्बू टूथब्रश लॉन्च हो गया, प्लास्टिक को छोड़ो, प्लास्टिक टूथब्रश को छोड़ो, बैम्बू टूथब्रश जो नेचुरल टूथब्रश है उसको यूज करो, गेनोजी टूथपेस्ट से दांत साफ करो, गेनोजी साबुन से जिसमें गैनोडोमा डला हुआ अपनी त्वचा को सुंदर बनाओ, गेनोजी शैम्पू से अपने बालों को धो, अगर आपके बाल थोड़े से थिनिंग हो रही है या डैंड्रफ है या कोई भी बालों की प्रॉब्लम है, उसमें नीली तेलम आता है 22 जड़ी बूटियों से युक्त डीएक्सएन का नीली तेलम, जितने भी लोगों को बालों की इश्यू है आप ट्राई करके देखो दो महीना, और कुछ एक्सपेक्टेशन मत करना, बस बराबर से यूज करना, फिर रिजल्ट्स आपके सामने होंगे। और पांच तरह की चाय जैसे मैंने आपको बताया, पांच तरह की कॉफी मैंने आपको बताया, वो आप यूज कीजिए। हमारे पास जैसे मार्केट में बहुत सारी चॉकलेट ड्रिंक्स अवेलेबल है, बच्चों के लिए बहुत सारे बेवरेजेस हैं, आपको मैं बता दूं जो अल्टीमेट बेवरेज जो सभी के लिए है, बच्चों के लिए तो है ही है, जो हस्बैंड वाइफ भी ले सकते हैं, एल्डर्स भी ले सकते हैं, वो है कोकोजी, अमेजिंग ड्रिंक। अगर आप उसको ठंडे दूध में भी ले सकते हैं, गर्म दूध में भी ले सकते हैं, बच्चे तो रूखा उसको खा भी लेते हैं, राइट। सो कोकोजी आप ले सकते हैं, देन भी नोनी जूस इज रियली पावरफुल जूस, उसके फायदे बहुत है हार्ट के लिए और आपके पूरे सिस्टम के लिए बहुत फायदे। मतलब मैंने ये भी देखा है कि जितने भी जैसे लोग बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए नोनी एक ब्लेसिंग का काम करता है, बिकॉज आपके नर्वस सिस्टम को इम्प्रूव करता है वो, यू नो। सो अलॉन्ग विद आरजीजीएल, स्पिरुलिना, नोनी, ये तो सभी को ही लेना चाहिए, एवरीबडी शुड यूज दिस। एंड आई कैन टेल यू, अगर आपने ये आरजीजीएल, स्पिरुलिना, नोनी और चाय कॉफी अगर रेगुलर यूज करना शुरू कर दिया, सिर्फ 2 से 3 महीने का टाइम रखिएगा और अपनी ही लिस्ट बनाइएगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आपके अंदर है, किस तरह के हेल्थ इश्यूज आपके अंदर है, तो वो उस इश्यूज में आपके अंदर सोल्यूशन मिलेगा आपको, और आपको खुद ही सोल्यूशन मिलेगा। और ये भी मैं बता दूं, डीएक्सएन का प्रोडक्ट यूज करने के लिए आपको किसी डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट ए प्रेस्क्रिप्शन रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, यू कैन जस्ट यूज इट योरसेल्फ। आप हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहते हैं, अगर आप यूट्यूब में डीएक्सएन का प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे फोकस करेंगे तो आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग का एक्सक्लूसिव आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएंगे, आप उसको देखिए, वहीं से सीखिए और प्रोडक्ट को यूज कीजिए। सो एंटायर रेंज इज ऑल हेल्थ रिलेटेड। अभी आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट एवरी वन, ऑल ऑफ यू, बिकॉज यस्टरडे यूटेंसिल केयर भी लॉन्च कर दिया है। देखो सफाई का रोल सब जगह है, जैसे हम शरीर की सफाई के लिए डीएक्सएन ने इतने सारे प्रोडक्ट दिए हैं, किचन में बर्तन आपके साफ करने के लिए यूटेंसिल केयर भी लॉन्च हो गया है, एंड यूज द यूटेंसिल केयर एंड यू सी द मैजिक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेल्थ पार्ट। दोस्तों हेल्थ की बात में बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया है, और वेल्थ के बारे में जब हम बात करते हैं, हर एक माँ बाप अपने बच्चे को पालता है, अच्छे स्कूल में डालता है,
अच्छी तालीम देता है और कोशिश यही होती है कि जब ये बड़ा हो तो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, चाहे वो बिजनेस करे चाहे वो जॉब करे। अगर वो जॉब में अगर उसको MBA वगैरह कराते तो उसकी सैलरी बहुत अच्छी मिलती है। कई लोग कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट में जॉब मिल जाए तो जिंदगी भर में उनको इनकम आती रहेगी। तो इनकम के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता, कोई रेडी लगाता है, कोई दुकान खोलता है, कोई बिजनेस करता है, कोई कोई सिंगर बन जाता है, कोई क्रिकेटर बन जाता है, कि कई तरह अलग अलग तरह के काम होते हैं, बट एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है कि आदमी कमा कितना रहा है। और ये भी मैं बता दूं, कई लोग कमाने वाले गलत रास्ता भी अपनाते हैं, उसमें भी बहुत मेहनत करते हैं, चीटिंग भी करते हैं, मिलावट भी करते हैं, धोखा भी देते हैं और घूस भी लेते हैं कमाने के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर आप कई बार सड़कों पे अगर आप देखें, आपको आपने सबने एक्सपीरियंस भी किया होगा, मैं किसी डिपार्टमेंट का नाम पर्टिकुलर नहीं लूंगा, हर एक डिपार्टमेंट में आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो घूस लेके अपने घर में पैसा लेके आते हैं। मैं उन सभी जो लोग घूस लेते हैं, जो अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, उन सबको मैं बताना चाहूंगा, दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, कितना आसान है पैसा लेना, राइट। बट अगर थोड़ा सा अपना ब्रांड चेंज कर लें तो आपको अंडर द टेबल पैसा नहीं लेना पड़ेगा, DXC नहीं आपको इतना पैसा दे देगी, और आपके पास ईमानदारी का पैसा आपका पास आएगा, दुआओं वाला पैसा आपके पास आएगा। और ये भी मैं बता दूं, कोई ये हर एक आदमी कहेगा ये आदमी कमाल का है, ये कभी घूस नहीं लेता। जनाब देखिए, आप खाली हाथ आए थे, आप खाली हाथ जाओगे, कोई करोड़ों रुपए आप अपने साथ ले जाने वाले नहीं है, ठीक है। सो अपनी आदतों को चेंज करो, जिस पर हम मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूं कि अपने खाने की आदतों को चेंज करो, तो इसी प्रकार मैं ये कह रहा हूं अपने कमाने की आदतों को भी चेंज करो। मेहनत की कमाई में अपना ही मजा है। उस किसान से पूछो जब वो बीज बोता है, जब वो सुबह से लेकर शाम तक जोतता है आपको खाना खिलाने के लिए, और आपकी मेहनत का पैसा उसके पास जाता है और वो मेहनत की कमाई ले रहा है, और जो बिचौलिए जो बीच में इतने सारे हैं वो बिचौलिए ना तो मेहनत करते हैं ना पसीना बहाते हैं, उस किसान को जो पैसा मिलना चाहिए वो पैसा नहीं मिलता, उससे कितना पैसा बिचौलिए खा जाते हैं। बट ठीक है, सबका अपना अपना रोल है, यू नो, बट जाना आज इतने सारे अध्यापक हैं जो पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं, प्रिंसिपल्स हैं पढ़ा के पैसा कमा रहे हैं, मेहनत करके। किसी भी मार्केटिंग के आदमी को बोलो उसको इतनी सैलरी मिलेगी, ये दे आर वर्किंग वेरी वेरी हार्ड। जहां पे भी ईमानदारी का पैसा होगा उस पैसे का अपना ही मजा है, जहां पे भी चीटिंग वाला पैसा होगा ना वो दुआओं के साथ नहीं आएगा, बद्दुआओं के साथ आएगा। आपको लगेगा कोई देख नहीं रहा और मैंने पैसे ले लिए। आपकी जरूरत है, समझ सकता हूं मैं आपकी जरूरत है, ऊपर वाले ने अगर आपको आंखें दी हैं, अगर आपको हाथ दिए है, अपने पे विश्वास करो, मेहनत का पैसा कमाओ, कसम खा लो कि आज के बाद मैं घूस नहीं लूंगा, आज के बाद मैं गलत पैसा नहीं लूंगा, मैं पैसा लूंगा तो ईमानदारी का पैसा लूंगा। DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ईमानदारी का पैसा आता है, जहां पे दुआओं वाला पैसा आता है। DXN वो प्लेटफॉर्म है जहां पे दुनिया भर में एक एक इंडस्ट्री का लोग आ सकता है DXN में। इंश्योरेंस एजेंट्स DXN में आ सकते हैं, डॉक्टर्स DXN में आ सकते हैं, इंजीनियर्स, एडवोकेट्स, ब्यूटिशियंस, हाउसवाइफ्स, कितने ही हाउसवाइफ्स, आप इमेजिन, आप क्या बात कर रहे हैं, आपको लगता है मैं ब्रांच मैनेजर हूं, हैं, मैं हेड हूं, मैं जनरल मैनेजर हूं, मैं एरिया मैनेजर हूं, आप क्या बात कर रहे हैं। यू नो, आपके पास जो तनख्वाह आपको मिल रही है ना उससे 10 गुना एक 10वीं क्लास पास महिला घर में जो घूंघट में रहती है, जिसको बाहर निकलने नहीं दिया जाता, उसको DXN ने मौका दिया 10 लाख रुपए 12 लाख रुपए महीने कमाने का। वो 10 लाख भी जो है ईमानदारी के, ईमानदारी का पैसा आता है DXN में। दुनिया भर में अमेरिका, कनाडा, मिडल ईस्ट, कहीं पे भी चले जाइए, इट इज अ सिस्टम। DXN has given a system to everyone, हर एक आदमी को सेम सिस्टम दिया है। DXN आपकी शक्ल नहीं देखता, DXN आपका पहनावा नहीं देखता, DXN आपका आपका किस मजहब से बिलोंग करते हैं वो नहीं देखता, DXN आप कितने एजुकेटेड है। इमेजिन करो एक आदमी 4 साल डिग्री लेने के बाद कि मैं डॉक्टर, उसकी चाल देखो,
एक आदमी इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अगर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी है या एक अच्छी पोजीशन, उसका चाल देखो। क्यों? क्योंकि आपके पास कुर्सी है इसलिए आप वो दिखाना चाहते हैं, आप उसी टोन से बात करते हैं। नहीं, ये कब कुर्सी चली जाएगी, ये कब जिंदगी चलेगी आपको पता भी नहीं चलेगा जना। एक अच्छी जिंदगी जीजिए, सेवा वाली जिंदगी जीजिए। अगर आपको जिंदगी मिली है, जिस डिपार्टमेंट में भी आप है, जिस कुर्सी पे भी आप बैठे, उस कुर्सी की इज्जत इसी में है कि अगर आप सेवा करोगे, सेल्फलेस सेवा करोगे, उसका मजा ही कुछ और होगा, उस पैसे का मजा ही कुछ और होगा, उस काम का मजा ही कुछ होगा। इमेजिन कीजिए अगर स्कूलों में टीचर पूरा पैशन से बच्चों को पढ़ाने लग जाए, क्योंकि अगर आप ध्यान से सर्वे करेंगे, स्कूल हो या कॉलेज हो, जितने भी अध्यापक गण हैं, मैं उनसे बताना चाहूंगा, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस एट होम, वो सारा स्ट्रेस वो इनोसेंट बच्चों पे निकलता है। हस्बैंड वाइफ के पास टाइम नहीं है बच्चों को समय देने का, बच्चे क्या करते हैं बेचारे, वो स्क्रीन्स के साथ एडिक्शन हो जाती है। बहुत बड़ी बीमारी फैल रही है, जिन बच्चों छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फोन्स हैं, इतने इतने घंटों तक वो फोन है, इमेजिन वो हाथ में जो रेडिएशन उनके पड़ रहे हैं, वो ताकत कैसे आएगी उसके हाथ में, मुझे बताइए, सोचिए जरा। यू नो वी हैव टू सी कि हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। यू नो एवरी टीचर, एवरी लेक्चरर, आई एम टेलिंग यू, वर्क ऑन सेल्फ, बिकॉज आपका शांत होना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका खुश होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी ट्रेनर्स दुनिया भर में हैं, जितने भी एजुकेटर्स दुनिया भर में हैं, आपको मैं बता दूं और सभी माँ बाप को, क्योंकि माँ बाप पहले ट्रेनर हैं, हस्बैंड वाइफ यू आर द ट्रेनर्स, डोंट फाइट, डोंट गेट इन टू आर्ग्यूमेंट्स, डोंट फाइट। हर एक आर्ग्यूमेंट का छोटा सा सोल्यूशन है, शांति से उसको निकालो कि क्या सोल्यूशन है, डोंट फाइट। अगर आप फाइट करोगे, आपके परिवार में अशांति फैलेगी, आपके बच्चों में गुस्सा फैलेगा, उसको कंट्रोल कीजिए। यू नो शांति बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं बता दूं, BXN ने जो शून्य जो लॉन्च किया है, उसमें अगर आपने शून्य प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, आपका माइंड कंट्रोल में रहेगा, आप शांत रहेंगे, और सबसे बड़ी चीज है वे अच्छा डिसीजन ले पाएंगे अपनी जिंदगी के बारे में। जिस जगह पे भी, जिस डिपार्टमेंट में भी काम कर रहे हैं आप, अच्छा काम करेंगे। और इमेजिन कीजिए, एक तरफ आपने DXN के प्रोडक्ट खाए, आपके शरीर की सफाई हुई, राइट, आपका शरीर तंदुरुस्त हुआ, और अगर आपका शरीर तंदुरुस्त होगा तो उस डिपार्टमेंट की जो परफॉर्मेंस है बढ़ जाएगी, आपके आसपास के लोग बोलेंगे आप क्या खा रहे हो, इतने अच्छे क्यों दिखते हो, आपका एनर्जी लेवल इतना अच्छा क्यों है, आपका स्टेमिना इतना अच्छा क्यों है, आप तो बीमार पड़ते ही नहीं, आप तो हॉस्पिटल जाते ही नहीं, तो आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, सोचिए जरा। और उसी प्रकार अगर आपका माइंड जो है शांत रहे, अगर आपको तनाव भी ना रहे, और हर एक तनाव को आप बहुत प्यार से हैंडल करें, आपके घर में जो इश्यूज हैं, आपके पड़ोस में जो इश्यूज हैं, आपकी सिटी में जो इश्यूज है, आपके ऑफिस में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके जहां पे भी आसपास जो इश्यूज हैं, उसमें सल्यूशन दीजिए, आप एक समाधान बनिए। जब आप समाधान बनेंगे, सल्यूशन बनेंगे दुनिया में, तो जो आपकी जिंदगी है एक मीनिंगफुल जिंदगी बन जाएगी। दोस्तों, जिंदगी मिली है, बहुत प्यारी जिंदगी, बहुत अच्छी जिंदगी हमको मिली है। पहला जो हमारा धर्म है, अपने आप को सेहतमंद रखना। दूसरा धर्म है पैसा कमाना। आप जिस प्रोफेशन में भी है, आप अपना उस प्रोफेशन में अव्वल रहें, उस प्रोफेशन का नाम आपको होगा। अगर आप एक अच्छे लॉयर हैं तो ईमानदारी वाले लॉयर बने, यू नो किसी को जबरदस्ती मत झगड़ा करवाएं, यू नो अगर आपका आपको लॉ के बारे में सारा पता है, जो सच की लड़ाई लड़े, झूठ को साथ मत दें, राइट। सो इसी प्रकार चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे अलग अलग इंडस्ट्री के लोग हों, अपनी इंडस्ट्री में उसमें एक यूनिक, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बने। लेकिन मैं बता दूं, हर एक इंडस्ट्री के लोग, बिजनेसमैन, एडवोकेट, हर एक प्रोफेशन के लोग पैदा जब हुए थे, उनको नहीं पता था वो किस प्रोफेशन में जाने वाले, वो आर्मी में जाने वाले हैं या पॉलिटिशियन बनने वाले, उनको नहीं पता था। बट पैदा होते ही उन्होंने खाना पीना शुरू किया, राइट, और इस दुनिया से जब वो गए, ना तो उनका स्टेटस साथ में गया, ना उनके पैसे साथ में गया, ना परिवार साथ में गया, ना उनका मजहब साथ में गया, वो खाली हाथ चले गए, बट गए खाते पीते गए। DXN
उपभोक्ताओं की क्रांति है, नोट कर लें। अगर आप सुबह से लेकर शाम तक प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं तो आप डीएक्सएन में आ सकते हैं। आपके पास डीएक्सएन का कार्ड होना चाहिए, जिस प्रकार आपका खुद का आइडेंटिटी कार्ड होता है, हर एक देश में लोगों का अपना आइडेंटिटी कार्ड होता है, राइट। आज आपको कोई वाहन को चलाना है तो आपको लाइसेंस की आवश्यकता है, किसी विदेश यात्रा करनी है तो आपको पासपोर्ट की आवश्यकता है, रजिस्ट्रेशन होती है, इस दुनिया में आए थे तब रजिस्ट्रेशन हुई थी, स्कूल में गए तब रजिस्ट्रेशन हुई, कॉलेज में गए तब रजिस्ट्रेशन हुई, शादी हुई तब रजिस्ट्रेशन हुई, सोचिए बच्चा पैदा हुआ तब रजिस्ट्रेशन हुई, हॉस्पिटल में एडमिशन लेना तब रजिस्ट्रेशन हुई, प्रॉपर्टी खरीदी तब रजिस्ट्रेशन हुई, इस दुनिया से जाओगे तब भी रजिस्ट्रेशन चिप होगी। जनाब रजिस्ट्रेशन करा लीजिए डीएक्सएन। जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब आपके पास लाइसेंस मिलेगा डीएक्सएन की जिंदगी जीने का, और डीएक्सएन की जिंदगी सभी के लिए बराबर है, सिर्फ जीने वाला होना चाहिए, चाह होनी चाहिए कि मुझे सेहतमंद जिंदगी जीनी है, चाह होनी चाहिए मुझे घूस वाला पैसा नहीं चाहिए, मुझे चीटिंग वाला पैसा नहीं चाहिए, मुझे ईमानदारी वाला पैसा चाहिए, चाह होनी चाहिए, वो चाह आपकी यहां पूरी हो सकती है। और जब आप अपनी सेहत पे फोकस करेंगे, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, जब आप स्ट्रांग बनेंगे दुनिया देखेगी आप स्ट्रांग है, और जब आप रोल मॉडल बनेंगे तो दुनिया सेहतमंद बनेगी। यू आर स्प्रेडिंग हेल्थ थ्रू डीएक्सएन। और जब आप हेल्दी अपने फैमिली को हेल्दी बनाओ, अपने नेबरहुड को हेल्दी बनाओ, अपनी सिटी को हेल्दी बनाओ, अपने देश को हेल्दी बनाओ, अब जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस कंपनी को हेल्दी बनाओ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी आप हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को हेल्दी। मैं आपको बता दूं, जितने भी सीनियर सिटीजन ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो कहते हैं कि मैं रिटायर्ड हूं, जनाब आप खुद ही अपने आप को रिटायर कर रहे हैं, आप अपने आप को खुद ही ओल्ड बना रहे हैं। जिस इंडस्ट्री से भी अगर आप रिटायर हुए हैं, All retired people, I'm telling you, register yourself in DXN और फिर DXN की जिंदगी शुरू करना। अगर आप 6 महीने में कहने ना लग जाओ कि मैं अभी भी यूथफुल हूं, मैं अभी भी यंग हूं, रिटायरमेंट मेरी डिक्शनरी में नहीं है, तब बात कीजिएगा। इतने सारे रिटायर्ड लोग अपने एरिया के RWO में पार्क में जाके बैठते हैं, 100 लोग कहते हैं कि हम सीनियर सिटीजन हैं। कितना एनर्जी, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है वो पार्क में बैठ के, उनको कहते हैं कि हम रिटायर हो चुके हैं। अरे जनाब रिटायर तो हो चुके हो लेकिन नहा तो रहे हो, चाय तो पी रहे हो, कॉफी पी रहे हो, दवाइयां खा रहे हो, क्या आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख सकते? उन तमाम सीनियर सिटीजन को कहना चाहूंगा, ये सीनियर सिटीजन का जो वर्ड है इसको निकाल दीजिए। मैं थ्रू आउट यंग रहूंगा, मेरे थ्रू आउट एनर्जी रहेगी, स्टेमिना रहेगा, ऐसा स्ट्रांग बनूंगा। अगर आपने ये भूख रख ली जनाब, जितने भी तमाम ये जो पार्कों में कॉलोनीज में जो लोग बैठे हुए हैं, दुनिया भर के लोग, मैं सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, मैं दुनिया भर के लोगों की बात कर रहा हूं, अगर उनका हेल्थ इंप्रूव ना हो जाए तो होगा क्या? उनका लाइफ स्पैन बढ़ेगा। लोग सोच लेते हैं कि हम रिटायर हैं, हम नहीं कर सकते। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, 60 साल 70 साल की उम्र में भी अगर आपके मन में आ जाए कि मुझे फुटबॉल खेलना है, मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, आप शुरुआत कर सकते हैं। उस स्पोर्ट की जर्नी, चाहे वो 70 साल की उम्र में शुरू हो या 80 साल की, उस स्पोर्ट्स की जर्नी तब शुरू होती है। आप करके तो देखिए, और साथ में अगर आपने डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स खाने शुरू कर दिए तो जो भी स्पोर्ट आप जो टीवी में देख के एंजॉय कर रहे हैं, दूसरों को खेलता हुआ एंजॉय कर रहे हैं, इमेजिन विजुअलाइज कीजिए कि मैं वो स्पोर्ट खेलूंगा, मैं वो गेम खेलूंगा। मैं आपको बता दूं, दुनिया भर में अगर लोग 50 साल से ऊपर के लोग, अगर उनके अंदर चाह है कि काश मेरे बचपन में, मेरे स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे मुझे अगर ये स्पोर्ट मिल जाता तो मैं खेलता, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं, स्टार्ट नाउ। भागना चाहते हैं, भागना शुरू कर दीजिए। क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना शुरू कर दीजिए। अपने आपको ओल्ड मत समझो, ये आपका सोच है। अगर आपने सोच में से ओल्ड वर्ल्ड निकाल दिया, सीनियर सिटीजन वर्ल्ड निकाल दिया, तो आप यूथफुल बनेंगे और डीएक्शन के प्रोडक्ट्स आपको सपोर्ट करेंगे यूथफुल बनाने। और ये सिस्टम इतना खूबसूरत है जनाब, आपने 30 साल 40 साल में जो पैसे कमाए हैं, अगर आप रिटायरमेंट में कहते हैं अब तो मैं रिटायर हो चुका, मेरी कमाने की उम्र चली गई है। मैं आपको बता दूं, एक हमारे ब्रिगेडियर साहब थे, रिटायर हो चुके थे और कहते कि मुझे एक्टिव रहना है, वो डीएक्शन में आए 80 साल की उम्र, राइट,
और सिर्फ हमने उनको सिर्फ ये बताया था कि आपने आर्मी में लीड किया, आप डीएक्सएन में पहले ही दिन से लीड करो, डीएक्सएन की आर्मी बनाओ, लॉयल कंज्यूमर्स की, हेल्दी कंज्यूमर्स की, सारे प्रोडक्ट खाना पीना शुरू कर दो, सारे प्रोडक्ट बताना शुरू कर दो। कैन यू इमेजिन 80 साल की उम्र का आदमी और उनकी इनकम 80,000 to 90,000 पर मंथ चली गई, ये सिर्फ डीएक्सएन में हो सकता है। 18 साल 19 साल के यंगस्टर्स, बॉयज एंड गर्ल्स, जो इतनी सारी जनता है जो सोच रही है अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो हम माँ बाप से पैसा लेंगे। जनाब एक ऐसी लड़की है जिसने डिसाइड किया कि मुझे फॉरेन कंट्री में जाके पढ़ाई करनी है, तो डीएक्सएन में जुड़ी। उसके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था, उसने मेहनत किया और उसको सिर्फ सिखाया गया कि करना क्या है। वो जुड़ी, उससे को उसके बताया सारे प्रोडक्ट यूज करो, लोगों को बताना शुरू करो, लोगों को जोड़ना शुरू करो। जैसे जैसे कंज्यूमर्स आपके पास आते जाएंगे, आपका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, आपका पीवी बढ़ता जाएगा और आपका बोनस बढ़ता जाएगा। वो लड़की ने, छोटी सी लड़की ने 18-20 साल की उम्र में जाके जो पैसा कमाना शुरू किया, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं। आप यूट्यूब में जाइए, देखिए, यू नो, पूरे भारत क्या, पूरे विश्व भर में यंग गर्ल्स हैं जिन्होंने डीएक्सएन को कैरियर बनाया है। और ये भी मैं बता दूं, वो लड़कियां कोई ऑर्डिनरी लड़कियां नहीं है, ओके? जितने भी लड़के, जो कुंवारे लड़के हैं, उनको भी मैं बता दूं, अगर वो किसी भी डीएक्सएन की लड़की को अगर देख लेते हैं, अगर वो डबल डायमंड है, ट्रिपल डायमंड है, यंग गर्ल, अनमैरिड गर्ल, तो वो खुद ही लक्ष्मी है। वो सेहत भी लेके आएगी, पैसा भी लेके आएगी, कैसी जिंदगी लेके आएगी, आप सोच भी नहीं सकते। उनसे प्लीज कुछ डिमांड मत करना। अगर ऐसी किसी डीएक्सएन की लड़की से आपकी शादी हो जाती है, तो आप सोच लीजिए, जो कुंवारा लड़का है, अगर वो डबल डायमंड से शादी कर लेता है, तो वो खुद डबल डायमंड बन जाता है। बट यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहूंगा, जितने भी कुंवारे लोग हैं, उनके पास एक एडवांटेज है डबल इनकम का। और बहुत सारे हमारे कुंवारे एग्जाम्पल्स हैं, भरत इज अ लाइव एग्जाम्पल, यू नो, एंड रोशन इज अनदर एग्जाम्पल। बहुत सारे कुंवारे लड़के हैं जिन्होंने, क्योंकि कुंवारे में होता क्या कि जब वो मेंबरशिप ले लेते हैं, जब उनकी एंगेजमेंट होती है, तो उनकी होने वाली बीवी भी अलग से मेंबरशिप ले सकती है। तो जिंदगी भर के लिए डीएक्सएन उनको दो बिजनेस सेंटर्स दे देता है, दो जगह कमाने का मौका दे देता है। और जनाब जो कार्ड आपका डीएक्सएन का बनता है, एक ऐसा लेवल है स्टार रूबी का लेवल, जहां पे 12,500 एज ए गिफ्ट कंपनी देती है। और कंपनी कहती है अगर आपके ग्रुप में 5 ऐसे स्टार रूबीज बन गए जो 12,500 लेंगे, तो हम आपको 1,00,000 रुपीज गिफ्ट देंगे। सो दोस्तों, डीएक्सएन का जो वेल्थ जग का जो सिस्टम है, वो सिंपल सा सिस्टम है। लॉयल कंज्यूमर बनो, लॉयल कंज्यूमर बनाओ। और ये जो कंज्यूमर बनाने का जो सिलसिला है, सिर्फ आपको अपने कॉलोनी में नहीं करना, अपनी सिटी में नहीं करना, आपको पूरी स्टेट में करना है, पूरे भारत में करना है। और पहले ही दिन से, आप चाहे किसी गांव से भी बिलोंग करते हैं, पहले ही दिन से पूरी दुनिया की मार्केट डीएक्सएन आपको दे देती है। अमेरिका में भी आप कंज्यूमर बना सकते हो अपने ग्रुप में, मिडिल ईस्ट में बना सकते हो, ऑस्ट्रेलिया में बना सकते हो, न्यूजीलैंड में बना सकते हो। जितने ज्यादा खाने पीने लगाने वाले लोग अपने नेटवर्क में लेके आओगे, सिर्फ प्रॉक्सी मेंबरशिप्स मत लेना, नाम की मेंबरशिप मत लेना, बता देना अगर आप मेरे साथ आ रहे हो, तो सुबह से लेकर शाम तक आपको डीएक्सएन के प्रोडक्ट यूज करने होंगे। जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स आप यूज कर रहे हैं, उनको त्यागना, एग्जिस्टिंग ब्रांड्स आप त्यागेंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग ब्रांड्स आपको इनकम नहीं दे रहे, आपको फॉरेन ट्रिप्स नहीं दे रहे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं करते। आपको मैं फायदे बता दूं डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान के सिस्टम के, ज्वाइनिंग फ्री है, रिन्यूअल फीस नहीं है इसके अंदर। जो आपका कार्ड बनता है, वो आपका, अगर आप मैरिड है तो हस्बैंड वाइफ का कंबाइंड कार्ड बनता है। वो कार्ड की वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है, वो कभी भी लैप्स नहीं होता। आप जिस देश में भी जाके प्रोडक्ट परचेज करोगे, 15-20% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और हर एक जो प्रोडक्ट्स आप परचेज करोगे, उसमें पॉइंट्स आपको मिलेंगे और सेल्स वैल्यू मिलेगा। जो पीवी है, जो पॉइंट्स है, वो आपको स्टेटस देता है। जो सेल्स वैल्यू है, वो आपको बोनस देता है। और ये भी मैं पीवी एंड एसवी का जो मार्केटिंग प्लान का है, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो भी इच्छा करते हैं अपने स्पॉन्सर के साथ, अपने जिस आदमी ने भी आपको ये प्रोग्राम देखने के लिए बोला है, उसके साथ बैठ के अंडरस्टैंड करें। अदरवाइज आप यूट्यूब में जाके सर्च करें डीएक्सएन मार्केटिंग प्लान। हर एक देश में मार्केटिंग प्लान रन हो रहा है, मोर और लेस द मार्केटिंग प्लान इज सेम वर्ल्ड वाइड, एक ही मार्केटिंग प्लान है, ठीक है। सो आप रजिस्टर जब करेंगे, जिस कंट्री में भी आप रजिस्टर करेंगे, आप पूरे विश्व भर में कंज्यूमर्स बना सकते हैं। और आपके पास जो इनकम भी आती है, बिकॉज एंटायर वर्ल्ड इज वन मार्केट, अगर आपने
अमेरिका में बनाया तो अमेरिका से इनकम आनी शुरू हो जाएगी, अगर आपने दुबई में बनाया तो दुबई से आनी इन शुरू हो जाएगी, अगर आपने लखनऊ में बनाया तो लखनऊ से इनकम आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। सो आप किसी भी छोटे से गांव के भी हो सकते हैं, शहर के भी हो सकते हैं, बट उस शहर को अगर आपने समृद्ध बनाना है, उस शहर के बाहर आपने कंज्यूमर्स बनाना शुरू कर दो, अपना नेटवर्क फैलाना शुरू कर दो। ये नेटवर्क में ही हो सकता है, डायरेक्ट सेलिंग में ही हो सकता है। और डीएक्सएल ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम रोशन किया है, नेटवर्कर्स का नाम रोशन किया है, डायरेक्ट सेलर्स का नाम रोशन किया है दुनिया भर में। आज 13वीं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वर्ल्ड की डीएक्सएल, और आने वाले कुछ ही सालों में ये नंबर वन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनेगी, और आप लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन भी होगा। और ये भी मैं बता दूं, आप बहुत ब्लेस्ड हैं, बहुत लकी हैं अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। जिस आदमी ने भी आपको ये प्रोग्राम देखने के लिए बुलाया है, उस आदमी की फोटो अपने घर में जरूर लगा लीजिएगा। जिस प्रकार हम अपने माँ बाप का ऋण नहीं चुका सकते, उसी प्रकार जो आदमी आपका इंट्रोड्यूसर है उसका हम ऋण नहीं चुका सकते। उसकी वजह से आपको डीएक्सएल मिला, उसकी वजह से आपका डीएक्सएल में जन्म हुआ। और ये भी मैं उन तमाम लोगों को, जो नए लोग अभी प्रोग्राम देख रहे हैं, सभी को बता दूं, आप जॉब कर रहे हैं, आप डिलीवरी बॉय हैं, हो सकता है आप किसी कोरियर कंपनी में काम कर रहे हो, राइट, हो सकता है आप किसी कंपनी के बड़े सीईओ हो, आप ब्रांच मैनेजर हो बैंक के, इंश्योरेंस कंपनी के बहुत बड़े लेवल पे, हाई लेवल पे हो, जनाब आप काम करते रहिए, जॉब नहीं छोड़ना है आपको, अपना ब्रांच मैनेजर है आपको, बैंक नहीं छोड़ना है, बट बैंक में जो चाय पी रहे हो अपने पीएम को बोलो कि आज के बाद मेरे ब्रांच में ये चाय नहीं आएगी, क्योंकि आप लीडर हैं अपने बैंक के, आप रिप्लेस कर सकते हैं वो ब्रांड। अपनी पूरी टीम को डीएक्सएल की चाय पिलानी शुरू कर दो। अगर बैंक वालों की परफॉर्मेंस इंक्रीज ना हो जाए तो मेरा नाम कभी ढिंगरा नहीं। जनाब हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैं बता रहा हूं, जहां पे जो चाय, आज आप दिल्ली के बीकाजी गामा पैलेस में चले जाइए, नेहरू प्लेस में चले जाइए, वो बेचारा चाय वाला क्या कर रहा है, एल्यूमिनियम के बर्तन में वो चाय बनाता जा रहा है, पकाता जा रहा है, वो स्वाद तो बना रहा है बट इतना जहर है उसके अंदर, कैंसर हो जाता है ऐसी चाय पी के। बट वही अगर चाय वाला, अगर वो अच्छे बर्तन में, पीतल के बर्तन में, अगर वो डीएक्सएल की पानी को, डीएक्सएल की चाय को उबाला भी नहीं जाता, सिर्फ पानी को उबालना और चाय डालना, अगर वो डीएक्सएल की चाय पिलाना शुरू कर दे तो एक हेल्थ एम्बेसडर बन जाएगा, लोगों को हेल्दी बनाने का काम करेगा। ये जितने भी चाय वाले हमारे दिल्ली में है, बॉम्बे में है, पूरे भारत में है, पूरे विश्व भर में है चाय वाले, मैं उनको बता दूं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को एनर्जी जरूर दे रहे हैं, बट आप अपना जो ब्रांड यूज कर रहे हैं उसको रिप्लेस कर दें, डीएक्सएल की चाय पिलानी शुरू कर दें। आपको लगेगी थोड़ी महंगी, बट आपको मैं बता दूं, अभी आप पैसा दे के आप चाय मंगवाते हैं, एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास चाय का रॉ मटेरियल आएगा, वो भी फ्री में आएगा, क्योंकि जितने चाय वालों को अपनी डाउनलाइन में आप इंट्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उतना ज्यादा पैसा आएगा। दोस्तों घर घर में प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, बिकम ए लॉयल कंज्यूमर ऑफ डीएक्सएल, एंड डीएक्सएल इज वन कंपनी फॉर एवरीवन। ये किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, किसी चर्च से कम नहीं है, ये ऐसी वर्शिप करने वाली जगह है। आप आओ, इसकी गहराई में गोता, इसके समुद्र में गोता डालो और गहराई तक जाओ, ऐसे मोती आपको मिलेंगे, ऐसे मोती आपको मिलेंगे, आप सोच नहीं सकते हैं जनाब। उस उन घरों को देखो जिनके घरों में कैंसर पेशेंट्स हैं, उन घरों को देखो जिनके घरों में कोविड की वजह से लोगों की मौतें हो गई हैं, उन घरों को देखो जो अल्जाइमर्स, डायमेंशिया, तरह तरह की हेल्थ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, वो जिंदगी जी नहीं रहे हैं, आधे से ज्यादा टाइम उनको हॉस्पिटल्स में लग जाता है, मेडिसिन खाने में लग जाता है, वो बेचारे जी नहीं रहे हैं, वो सिर्फ मेडिसिन ट्रीटमेंट्स ले लेके अपने आप को चला रहे हैं, काट रहे हैं अपनी जिंदगी। उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, पूरी दुनिया भर में जो लोग जो अपने इलाज करा रहे हैं, प्लीज अपने डॉक्टर का इलाज कराएं। डॉक्टर के पास जाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, उनकी दवाइयां खाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, खाते रहो, बट डीएक्सएल के आरजीजीएल, स्पिरुलिना, नोनी जूस, चाय, कॉफी पीना शुरू कर दो, मेरे कहने से पीना शुरू कर दो। अगर 3 महीने में आपके डॉक्टर ने ना बोल दिया भाई साहब आप क्या खा रहे हो, तो बात कीजिएगा, और फिर डॉक्टर को भी बता देना, डॉक्टर साहब आप भी आरजीजीएल खाना शुरू कर दो, आप भी स्पिरुलिना खाना शुरू कर दो, जितने पेशेंट आप देख रहे हो ना, आप डबल पेशेंट देखने लग जाओगे। ये सभी डॉक्टर को बता दो, बेचारे बहुत स्ट्रेसफुल जिंदगी जी रहे हैं जनाब, खाने का टाइम ही है उन लोगों के पास, हमारा फर्ज नहीं बनता अपने डॉक्टर की केयर करें,
हमारा फर्ज बनता है अपनी कॉलोनी में जो डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एलोपैथी डॉक्टर है, होम्योपैथ डॉक्टर साहब, हमको आपकी केयर करनी है, हमको आपकी सेवा करनी है। आप इतनी लोगों की सेवा कर रहे हो, पूरी दुनिया भर में लोगों की सेवा कर, हमने अपने डॉक्टर की सेवा करनी है, उनकी उनकी लाइफ को बढ़ाना है, उनके एनर्जी लेवल को बढ़ाना है, डीएक्सएन के ब्लड बढ़ा देंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएक्सएन लाइव, लिव डीएक्सएन लाइव, डीएक्सएन की जिंदगी जिए। बहुत प्यारा प्लेटफॉर्म है और बहुत लकी हैं आप लोग, बहुत जो आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं। एंड जिस आदमी ने के भी साथ बैठे हैं या जिसने भी आपको इनवाइट किया है उसके साथ बैठें, इमीडिएटली शुरू कर दें। अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं ली है डीएक्सएन में, इमीडिएटली शुरू कर दें। और आपको ये भी बता दूं, पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो विजय जी, सुवैक, मनोरंजन, ओम प्रकाश जी और अक्षय वगैरह सब देख रहे हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे मॉड्यूल्स बना दिए हैं, सिर्फ मोबाइल पे आपने वो मॉड्यूल्स को देखना है, सीखना है, मेंबरशिप की ताकत क्या है उसको समझना है, उस नॉलेज को लेके अप्लाई करना है। सिर्फ मोबाइल फोन यूज कीजिए, ऑनलाइन आप शॉपिंग भी कर सकते हो, ऑनलाइन आप स्पॉन्सरिंग भी कर सकते हो, उस सिस्टम को यूज कीजिए। डीएक्सएन सिस्टम इज मेड फॉर ऑल ऑफ यू। और आपको मैं बता दूं, डीएक्सएन का आरबीसी इज ए ट्रेनिंग सपोर्ट सिस्टम बाय द नेटवर्कर्स, बाय प्रोफेसर वासुपल्लई एंड डॉक्टर रत्ना एंड डॉक्टर एस रंजन। दोस्तों आपको एक दिनचर्या बता देता हूं, रजिस्ट्रेशन शिप ले लो, पहली फर्स्ट डे ऑफ द मंथ आपने अराउंड 3500, कोई जबरदस्ती नहीं है, आप 1000 पीवी भी कर सकते हो, 1500 भी कर सकते हो, 3500 भी कर सकते हो, 5000 भी कर सकते हो, जितने पीवी करने हैं करो, लेकिन पहले दिन तो शॉपिंग हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज, सुबह से लेकर शाम तक हम सारे प्रोडक्ट यूज करेंगे। तीसरी चीज, हम स्पॉन्सरिंग करेंगे, हम सुबह से लेकर शाम तक हम शेयरिंग करेंगे, बस में कोई मिले, ट्रेन में मिले, रेस्टोरेंट में मिले, आपके घर के पास, हम लोगों ने शेयरिंग करनी है, किसी को फोर्स नहीं करना है, किसी को जबरदस्ती नहीं करनी है, किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बुराई नहीं करनी है, किसी भी इंडस्ट्री के लोगों की बुराई नहीं करनी है, राइट, हमारे पास टाइम नहीं है बुराई करने का, ओके। और हम शेयरिंग करेंगे और अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों को अपने साथ में लेके आएंगे। और जो हमारा सिस्टम है डीएक्सएन का, मैनेजमेंट हमको 12 बजे मीटिंग देता है हर रोज एज ए डिसिप्लिन। 12 बजे जहां पे भी हम हैं हम वो मीटिंग अटेंड करेंगे। आप अपना अगर गृहिणी कहना बना रही है तो ईयर प्लग लगा के वो मीटिंग सुन ले, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हो तो ईयर प्लग लगा के आप मीटिंग सुन ले। 12 बजे की मीटिंग हम हर रोज सुनेंगे और शाम को 7 बजे की मीटिंग हम हर रोज सुनेंगे और देखेंगे। और ये जब ट्रेनिंग आपको साथ में मिलती रहेगी, आप रेगुलर खाते रहेंगे, पीते रहेंगे और लगाते रहेंगे, तो अपने आपको सुंदर बना रहे हैं, अपने आपको सेहतमंद बना रहे हैं। और यही मैसेज जब आप दुनिया को देंगे, दुनिया को सेहतमंद बनाएंगे, दुनिया को सुंदर बनाएंगे, दुनिया को डिसीज फ्री बनाएंगे, बनाएंगे ना, जब आप ये बनाएंगे तो फिर दुआओं वाला पैसा आएगा, आपका बैंक बैलेंस मल्टीप्लाई होगा, फिर आपके पास इतनी दौलत आ जाएगी आप अपना खुद का घर खरीदेंगे, फोर व्हीलर खरीदेंगे, फॉरेन ट्रिप्स आपको बहुत मिलने वाले। दोस्तों अपना पासपोर्ट रेडी रखिएगा, बिकॉज हर महीने, अभी जब तक ये कोविड चल रहा है तब नहीं, बट जैसे ही कोविड खत्म होगा तो हर साल आपको फॉरेन ट्रिप मिलेगा। जितने भी यंगस्टर्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं दोस्तों, लोग ना हनीमून के लिए पैसा लगाते, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस से पैसा कमा के हॉलीडे के लिए पैसा लगाते हैं। डीएक्सएन में जब आप आते हैं काम करते हो तो हर आने वाले समय में हर साल आपको हॉलीडे मिलेगा, नेशनल हॉलीडे भी मिलेगा और इंटरनेशनल हॉलीडे भी मिलेगा। और जब आप एक दो बार हॉलीडे में चले गए तो आपको चस्का चढ़ जाएगा कि मुझे तो फ्री में जाना है, राइट, क्योंकि आपको वहां पे फ्लाइट टिकट भी नहीं लगती, 5-star होटल का स्टे भी नहीं, बहुत सारे बेनिफिट्स है। तो पर्सनैलिटी भी आपकी डेवलप होगी, आपका पॉजिटिविटी आएगी। और ये भी मैं बता दूं, पूरी की पूरी नेगेटिविटी आपके शरीर में से भी बाहर हो जाएगी, आपके माइंड से भी बाहर हो जाएगी, तो आप एक अच्छे साफ सुथरे इंसान बन जाएंगे। और जब आप अच्छे इंसान बनेंगे, अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को सेहतमंद रखेंगे, तो वही अच्छाइयां, प्यार और सेहत आप दुनिया में बांटेंगे। तो दुनिया को सेहतमंद बनाओ, दुनिया में प्यार बांटो और ईमानदारी को डुप्लीकेट करो। किसी और के मेंबर को अपने नीचे मत बनाओ, किसी और के मेहनत किया हुआ काम ऐसा मत करो, कि कभी भी डिस्काउंटिंग मत करना, राइट, बेसिक सिंपल से प्रिंसिपल है। अपने डीएक्सएन से प्यार करो, अपने डीएक्सएन के प्रोडक्ट से प्यार करो, अपने डीएक्सएन के स्पॉन्सर से प्यार करो, अपने डीएक्सएन के कंज्यूमर से प्यार करो, और डीएक्सएन मैनेजमेंट के साथ तो बहुत ज्यादा प्यार करो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, वेलकम टू डीएक्सएन, सी यू ऑल एट द टॉप इन डीएक्सएन, थैंक यू वेरी वेरी मच।